हेलो दोस्तों, आप सभी को मैं नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एफएमसीजी सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। अभी वर्तमान में 3592 रुपए यानी कि लगभग 3400 के आसपास ये कंपनी ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। और अगर हम लोग इसके रिटर्न को देखें दोस्तों, तो पिछले एक साल में ये तकरीबन 18% और पिछले 10 सालों में ये 1697 यानी लगभग 1700%, यानी कि निवेशकों का पैसा इन्होंने 18 गुना से ज्यादा कर करके दिया है पिछले 10 सालों में। तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरे थंबनेल को पढ़ करके आ रहे हैं कि ब्रिटानिया इंडस्ट्री 21,000 का हो जाएगा, तो हम लोग आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज 21,000 का क्यों हो जाएगा और इसके तथ्य क्या हैं, कौन से फैक्ट्स हैं जिसके आधार पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज कुछ सालों में 21,000 का हो जाएगा। तो आज हम लोग उन तथ्यों को जानेंगे कि ये क्यों हो जाएगा। और इसके लिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इसने अपने लास्ट 10 ईयर में 18 टाइम्स का रिटर्न दिया है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने 18 टाइम्स का रिटर्न क्यों दिया है, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि ये 21,000 का क्यों हो जाएगा। और इस वीडियो के लास्ट में इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी करके इसके जो शॉर्ट टर्म के टारगेट हैं उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो आप फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार लेकर के आ रहा हूं और हर फंडामेंटल स्टॉक के बारे में आपको समय समय पर जानकारी देता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर दोस्तों हम लोग ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के मंथली चार्ट को देख रहे हैं और इसके चार्ट को देखने से ये समझ में आता है कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज काफी समय से बुलिश फेज में चल रही है। ये देखिए, लगातार अपवर्ड मूवमेंट में है। और अगर इसके टेक्निकल इंडिकेटर की बात करें, 50 डेज एमा, 100 डेज एमा, 200 डेज एमा, तो ये तीनों ही इंडिकेटर से ऊपर इसका स्टॉक प्राइस चल रहा है। तो ये काफी बुलिश फेज में चलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, इसने इतना रिटर्न क्यों दिया? अगर हम लोग बात करें कि इतना रिटर्न 10 साल में 18 गुना क्यों दिया, तो उसके लिए इसके फंडामेंटल्स को चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके फाइनेंशियल ओवरव्यू को देखते हैं कि वर्तमान में ये कंपनी कैसी है। तो इसके मार्केट कैप की बात करें तो तकरीबन 86,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। ये लार्ज कैप ग्रुप में आती है। इसका 52 वीक हाई 4000 के आसपास है। वर्तमान भाव 3600 रुपए के आसपास है, यानी कि ये अपने 52 वीक हाई के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 52 वीक लो 2100 रुपए है, यानी अपने 52 वीक लो से ये काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अगर इसके रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये काफी अच्छा 32.5% देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी 38% के आसपास देखने को मिल रहा है। डेट इक्विटी थोड़ा हाई देखने को मिल रहा है 0.92 और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 23 टाइम्स देखने को मिल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग 50.6%, डिविडेंड यील्ड 2.31%, जो कि काफी अच्छा है। तो इस प्रकार से हम लोग ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल ओवरव्यू से ये पाते हैं कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज एक मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनी देखने को मिल रही है। अब हम लोग ये चलते हैं कि इसने पिछले 10 साल में क्यों अच्छा रिटर्न दिया। तो कहीं ना कहीं इसके जो पास्ट के रिजल्ट होंगे वो काफी बेहतरीन देखने को मिले होंगे, इसके वजह से इसने रिटर्न दिया। तो उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर हम लोग FY9 से FY20 तक के रिजल्ट को, अगर हम लोग एनुअल रिजल्ट को देखें ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के और इसके सेल्स फिगर पर ध्यान दिया जाए, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इनका सेल्स जो है लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। आप देखिए स्क्रीन पर सारा कुछ साफ साफ देखने को मिल रहा है, ये लगातार बढ़ रहा है। ये पिछले 10 साल में इनका सेल्स जो है कभी भी
गिरा ही नहीं है, कभी भी डिग्रोथ नहीं हुआ है। आप समझ लीजिए इनके बिजनेस इतने अच्छे चल रहे हैं कि पिछले 10-12 सालों में इनका कोई भी सेल्स फिगर किसी भी साल डाउन देखने को नहीं मिला है। अब चलिए इनके नेट प्रॉफिट को भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेट प्रॉफिट इनका FY9 में 151 करोड़ था, फिर FY10 में ये घट करके 103 करोड़ हो गया, फिर ये बढ़ करके 134 करोड़ हो गया, फिर 200 करोड़ हो गया। इस तरह से दोस्तों हम लोग देख रहे हैं इनके जो नेट प्रॉफिट है वो भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर देखिए इस पूरे पीरियड में इनका जो नेट प्रॉफिट है लगातार बढ़ा है। सिर्फ एक बार FY10 में इनका प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिला है इनके नेट सेल्स में वृद्धि के बावजूद। लेकिन अगर हम लोग बात करें कंसिस्टेंसी की तो इनके सेल्स भी कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं और नेट प्रॉफिट भी इसके काफी कंसिस्टेंट है और काफी अच्छे तरीके से ये बिजनेस कर पा रही है। एक साल 2010 में डिग्रोथ देखने को मिला था तो इसके कारण रहे थे कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है यहाँ पर 2% से घटता हुआ देखने को मिला था, इसके चलते इनके नेट प्रॉफिट में कमी देखने को मिली थी, डिग्रोथ देखने को मिला था। लेकिन अगर ओवरऑल बोले दोस्तों तो इनके जो सेल्स हैं FY9 में 3421 करोड़ थे जो कि FY20 में बढ़ करके 11600 करोड़ हो गए। ये तकरीबन इनके जो सेल्स हैं उसमें 3 गुना का हम लोग जंप देख रहे हैं इस पूरे टाइम में। और अगर सेम पीरियड में नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये 151 करोड़ से बढ़ करके ये 1400 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो लगभग इनके नेट प्रॉफिट में 9 टाइम्स का जंप देखने को मिल रहा है। तो आप बताइए दोस्तों, इनका सेल्स ग्रोथ हुआ 3 गुना इस पूरे पीरियड में और नेट प्रॉफिट ग्रोथ हुआ 9 गुना। और अगर इसके इंटरेस्ट बर्डन को भी देखा जाए तो ये काफी हेल्दी लेवल पर मेंटेन है। तो हम लोग ये कह सकते हैं दोस्तों कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के जो बिजनेस हैं पिछले 11-12 सालों में काफी अच्छे ढंग से ये कंपनी ने बढ़ाया है, न केवल सेल्स ग्रोथ बल्कि प्रॉफिट ग्रोथ को भी इन्होंने बढ़ाया है। और इनके जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है इनके सेल्स ग्रोथ से ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यही कारण है कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज पिछले 10 सालों में इतना अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को दी है। तो अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज 21,000 का हो जाएगा, ये क्यों हो जाएगा? अभी तो ये चल रहा है तकरीबन 3600 रुपये में, तो ऐसे क्या कारण है कि ये 21,000 रुपये का हो जाएगा? तो अभी तो ये अनबिलीवेबल लग रहा है लेकिन दोस्तों ये हकीकत है। इसके लिए हम लोग थोड़े से पास्ट में चलते हैं और अगर हम लोग इसके चार्ट से इसके रेट को जानने की कोशिश करें दोस्तों, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं 2002 के आसपास ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज तकरीबन ये देखिए 40 रुपये के आसपास ट्रेड करती थी। उसके बाद आइए 2014 में ये 426 रुपये पर ट्रेड करने लगी। तो कितना बढ़ा दोस्तों इस पूरे पीरियड में? तो ये 10 गुना इनका रेट बढ़ा है। अब आइए 2014 में, ये यहां पर देखिए दोस्तों 2014 में ये लगभग 400 रुपये पर ट्रेड कर रही थी और अब ये कितने पर ट्रेड कर रही है? 3600 रुपये पर। तो अब आप समझिए कि यहां से यहां तक आने में इसने 10 गुना का रिटर्न दिया। और फिर 2014 से 2020 तक में इसने कितना का रिटर्न दिया? यहां पर ये 400 का भाव है, यहां पर 3600 का है, तो यहां पर इसने 9 गुना का रिटर्न दिया। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बोले दोस्तों कि आने वाले 10 सालों में ये इसका प्राइस कितना होना चाहिए, तो हम लोग ये कंजर्वेटिव भी चले, काफी कंजर्वेटिव भी चले, तो इन स्तरों से ये 7 गुना तो होता हुआ हम लोगों को अवश्य देखने को मिलेगा। तो अभी रेट तकरीबन 3600 चल रहा है, तो हम लोग 7 गुना भी लेते हैं, काफी कंजर्वेटिव, फिर भी ये 21,000 से ज्यादा का होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग इसको 21,000 ही मान के चले, काफी कंजर्वेटिव, कि ये जो पिछले 20 सालों से जिस तरह का प्राइस पैटर्न और रिजल्ट पैटर्न दिखाई है उससे भी ये कम ग्रोथ करेगी। तो फिर भी हम लोगों को 21,000 का लेवल अगले 10 सालों में आता हुआ
अवश्य देखने को मिलेगा इस शेयर में। लेकिन दोस्तों जैसा कि बड़े बड़े प्रोडक्ट में ये लिखा रहता है, स्टार मार्क दे रहे, कंडीशन अप्लाई, तो इस वीडियो में भी मैं ये बताना चाहता हूं यहां पर भी कंडीशन अप्लाई का मार्क हमने लगा रखा है कि ये हम लोगों का एक्सपेक्टेशंस है कि ये जिस तरह से पास्ट में कंपनी ग्रो की है उस तरह से आगे भी ग्रो करेगी, तब जाकर के इसका प्राइस जो है 21,000 को छू सकता है। तो दोस्तों तब हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या हम लोग इसको एक महज एक काल्पनिक आंकड़ा मान लें? तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों इसके जो रिजल्ट हैं, एनुअल रिजल्ट है, उसको लगातार हम लोगों को देखते रहना पड़ेगा, और जो इनके सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, उस पर हमेशा निगरानी रखनी पड़ेगी। तो यहां पर अगर हम लोग इसके एवरेज 10 साल के सेल्स ग्रोथ को देखें तो ये तकरीबन 12% CAGR के रेट से इस स्टॉक का बढ़ता हुआ देखा गया है, और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 28% से बढ़ा है। तो हम लोगों को इस फिगर पर ध्यान रखना पड़ेगा कि आने वाले सालों में अगर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज इस फिगर को मेंटेन करके रख पाती है और इसके जो रिजल्ट हैं साल दर साल अच्छे आते हैं, मार्जिन इंप्रूव करते रहते हैं, तो ये शेयर आने वाले दिनों में 21,000 के स्तर को जरूर छू सकता है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट तभी होना चाहिए जब इसके रिजल्ट खराब होंगे। अब आइए दोस्तों इसके एक बार बैलेंस शीट में रिजर्व की भी चर्चा कर लेते हैं। इनके देखिए बैलेंस शीट में रिजर्व लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, कभी भी ये घटा नहीं है। लेकिन अब आइए दोस्तों सितंबर क्वार्टर में आकर के इनका रिजर्व जो है ये 4,380 से घट करके ये 2,650 हो गया। तो ये जो इनका रिजर्व घटा ये तो खतरनाक संकेत दे रहा है। तो ये क्या हुआ, क्या प्रमोटर इसके पैसा खा गए? तो नहीं दोस्तों, इसके लिए चेक करना पड़ेगा कि इनके पैसे यहाँ पर रिजर्व में क्यों घटे। तो हम लोग कॉर्पोरेट एक्शन में जाते हैं, और यहाँ पर देखिए दोस्तों इन्होंने रिसेंटली 26 अगस्त 2020 को इन्होंने डिविडेंड कितना दिया है पर शेयर, 83 रुपीज का। अब शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 1 रुपये। तो 1 रुपये के शेयर पर इन्होंने 83 रुपीज का डिविडेंड दिया। अब आइए दोस्तों इनके जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, ये लगभग 24 करोड़ हैं। अब 24 करोड़ को आप 80 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये तकरीबन 2000 करोड़ के आसपास आते हैं। यानी कि इस कंपनी ने अगस्त महीने में 2000 करोड़ का डिविडेंड बांट दिया। अब वापस आइए दोस्तों इनके रिजर्व में। अब इनका रिजर्व कितना घट रहा है इस पूरे पीरियड में, मार्च क्वार्टर से लेकर के सितंबर क्वार्टर में इनका जो रिजर्व घटा है वो तकरीबन 2000 करोड़ के आसपास ही घटा है। यानी कि इनके रिजर्व से 2000 करोड़ रुपए एज ए डिविडेंड निकल गए, जिसके चलते इनके रिजर्व घटते हुए दिखे हैं। प्रमोटर्स ने पैसा नहीं खाया है, इन्होंने जो कमाया है वो शेयर होल्डर के बीच में बांटा है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों ये कंपनी न केवल बिजनेस बढ़ा रही है, अपने रिजर्व भी बढ़ा रही है, अपने कमा रही है, अपने निवेशकों को भी कमवा रही है। तो ये काफी अच्छी कंपनी है, और हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले सालों में इसके जो शेयर भाव हैं वो 21,000 को अवश्य छूते हुए हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। अब आइए दोस्तों इसके टेक्निकल चार्ट में शॉर्ट टर्म में कि अभी वर्तमान में नियरेस्ट फ्यूचर में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के शेयर भाव किस प्रकार से परिवर्तित हो सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर हम लोगों ने कुछ सपोर्ट और रेसिस्टेंस के फिगर ड्रॉ करके रखे हुए हैं, और इस फिगर से जो देखने को मिल रहा है तो हम लोग को जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो तकरीबन 3265 रुपये पर देखने को मिल रहा है, और जो स्ट्रांग रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा वो तकरीबन 4000 के लेवल पर देखने को मिलेगा। और अभी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज अभी साइडवेज मूवमेंट देता हुआ दिख रहा है, इसमें काफी तेजी बनी हुई थी कुछ महीनों से, लॉकडाउन के बाद से। तो अभी हम लोग ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि स्टॉक अभी फिलहाल ऊपर जाएगा, क्योंकि इसके जो क्वार्टर
टू के रिजल्ट रहे थे वो क्वार्टर वन के रिजल्ट से खराब रहे थे। यहाँ पर आप देखिए क्वार्टर टू के जो रिजल्ट हैं, उसमें इन्होंने 498 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था, जो कि जून क्वार्टर में 546 करोड़ था। और इसी वजह से इस स्टॉक के प्राइस में करेक्शन देखने को मिला था, और वो करेक्शन अभी जारी है। अगर इसके हम लोग डेली चार्ट में जाएं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये रिजल्ट आने के बाद इसमें करेक्शन देखने को मिल रहा है और इसके करेक्शन जारी है। तो जब इनके क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आएंगे, अगर वो भी म्यूटेड रहेंगे, तो इस स्टॉक में फर्दर करेक्शन हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, हम लोगों ने जो अभी लेवल डिस्कस किया कि जो 4000 का इनका स्ट्रांग रेसिस्टेंस है, इस लेवल को ये स्टॉक क्वार्टर थ्री के रिजल्ट अगर बेहतरीन नहीं आते हैं तो इस लेवल को ये स्टॉक पार नहीं कर सकता है। तो हम लोगों को किन स्तरों पर ध्यान रखना चाहिए, तो ये तकरीबन 3300 का स्तर है दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ये इनका स्ट्रांग सपोर्ट है, और अगर इस सपोर्ट को भी ये तोड़ देता है, नीचे जाता है, तो हर गिरावट में इस स्टॉक में खरीदारी बनते हुए देखने को मिलेगी, और ये अच्छा इन्वेस्टमेंट स्टॉक है। कम समय में ये तो रिटर्न नहीं देगा, लेकिन लंबे समय में काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों, अभी तक मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है कि मेरा लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का शेयर 21,000 तक जा सकता है आने वाले सालों में। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसे जरूर लाइक करें और शेयर भी करें, और आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।